वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। अपने पति से मिलाई के लिए जिला कारागार पहुंची औरंगाबाद की ग्राम प्रधान पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। शबनम का आरोप है कि चुनावी रंजिश से जुड़े हमलावरों ने उस पर फायरिंग भी की है। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने हमलावरों में तीन को पकड़ लिया। एक हमलावर के पास से पिस्टल भी बरामद हुई है। यह वारदात शनिवार की दोपहर उस वक्त हुई जब ग्राम प्रधान अपने पति से जेल में मिलाई के लिए पहुंची थी। इस बारे में ग्राम प्रधान ने बताया कि कुछ समय पूर्व उसके पति को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया था। ऐसा चुनावी रंजिश के चलते किया गया है। आज इस रंजिश से जुड़े लोगों ने उन्हें भी जान से मारने की कोशिश की। देखिए मौके की कुछ तस्वीरें। हमें परेशान नहीं है ना। चलो कोई बात ना, आ जाओ, आ जाओ, एक मिनट को सुन ले। बताओ क्या बात है। आ जाओ तो आ तो गए रे, सुन लो। चलो नौसा भाई तो आ गए। इस बारे में ग्राम प्रधान शबनम ने यह जानकारी दी। मैडम क्या नाम है आपका? शबनम। शबनम आप किस पद पे हो और क्या पूरा मामला हुआ? मैं ग्राम प्रधान हूँ, मौजूदा प्रधान हूँ, ठीक है। मैं जो है क्या नाम है अपने, मतलब मेरा आदमी जो है अंदर है, उनकी पर्ची मतलब मिलाई करने आई। मैंने जो पर्ची लगाई जगह मैं आई यहाँ, तो क्या नाम है मैंने अपने भाई को लाइन में लगा दिया। जब मैंने अपने भाई को लाइन में लगा दिया तो क्या नाम है वो आए, क्योंकि मैंने उन्हें जानती कौन है कैसे कह रही हूँ। और पहली बात तो क्या नाम है हमारे, मेरी गांव मतलब हमारे जो आदमी है अंदर जेल में, उनकी रंजिश चली छः महीने से, गांव से छः महीने से रंजिश चली, चुनावी रंजिश है मतलब। किन लोगों से? इलेक्शन से जो चुनाव हारे हैं उनसे मतलब रंजिश चल रही है बहुत काफ़ी टाइम से, छः महीने झगड़े को हो गए। मेरे आदमी जो है छः महीने से अंदर है वो, और मेरे आदमी को मतलब उन लोगों ने गलत फंसा रखा। 307 का मुकदमा बिल्कुल फर्जी लगा रखा उन्होंने, कहीं गोली वोली कुछ नहीं मारी, ठीक है। उनसे रंजिश है मेरी जो भी है जैसे भी है, ठीक है। तो क्या नाम है, अब से एक महीने पहले मैंने एप्लीकेशन दी, मेरे पास यहीं जेल चुंगी पर मतलब हमला करवाया। तो मैंने कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी, जैसे उन्होंने मेरे पर हमला करवाया करा, तो उसके बाद मतलब एप्लीकेशन देने के बाद कुछ नहीं हुआ कैसे भी। तो आज मैं फिर मिलाई पाई, आज मैंने पर्ची लगाई तो फिर यही वाला हादसा हुआ मेरे साथ। तो फायरिंग हुई है, फायरिंग हुई मतलब हादसा हुआ यही मेरे साथ। तो मैंने अपने भाई को लाइन में लगा रखा, तो क्या नाम है हटवा करके दादागिरी दिखाने लगे, तो ऐसी करके फिर नहीं बाहर आकर मारने की धमकी थी। मुझे नहीं पता ये कौन है, ना तो मैंने जानती जो उनसे मतलब गोली चलाई है, ना तो मैंने जानती, ना मुझे पता है कौन है कौन नहीं। पर ये लोग जो हैं वो फजर नहीं और क्या नाम है सोफियान नहीं, और जो है जिससे हमारी गांव की मतलब रंजिश चल रही है गुड्डू है, इन्होंने लोगों ने ये भेजे मुझे खुद मारने की उन्होंने धमकी दी अब से एक महीने पहले। और अब तो इन्होंने ये बदमाश भेज दी मुझे मारने के लिए, और मेरे आदमी को उन्होंने फंसा रखा छः महीने से। मेरा आदमी बेकसूर है, छः महीने से जो ना बेकसूर फर्जी जेल काट रहे हैं, उनको कोई कसूर नहीं है बिल्कुल भी कैसी भी। आप कहाँ की प्रधान हो? मैं नौरंगाबाद की प्रधान हूँ। मेरे आदमी को बेकसूर फंसा जा रखा कर रखा, तुम कहीं भी जाकर बुझ लो नौरंगाबाद के अंदर के प्रधान ने गोली चलाई है इन लोगों पर, चुनावी रंजिश है। तो इन लोगों ने मुझे मारने के लिए आज बिल्कुल खत्म करने के लिए उन्होंने ये बदमाश भेजे वहाँ जेल पे। अच्छा ये लोग, इन लोगों को जानते हो जिन्होंने फायरिंग करी है? बिल्कुल कैसे भी कौन है कौन नहीं, ये भेजे मतलब उन्होंने जिससे मेरा झगड़ा चल रहा। चारों पर पिस्टल है, और मैं जो ना क्या नाम है वे पुलिस वाले हैं वहाँ सभी, मैंने ये गाँव में से फोन करके बुला लिए, जो काश आज मेरे साथ ना होते तो मेरे भाई को मुझको बिल्कुल खत्म कर देते इनके कहने पर, जो मतलब जिससे मेरा झगड़ा चल रहा, जो मेरे आदमी को उन्होंने बिना कसूर फंसा रखा 307 लगा रखी फर्जी। बस बाइक की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।